स्पॉन्सर्ड बाय BRC छत्री डेसिकेटेड कोकोनट सुपर पाउडर। निपो खरी के टूटे पुल का पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया निरीक्षण। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रानी पोखरी के टूटे पुल का निरीक्षण किया और सरकार से मांग की जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाई जाए, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग इस पुल के टूटने से प्रभावित हो गए हैं। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दिल्ली से जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे और फिर उसके बाद सीधे रानी पोखरा के टूटे पुल पर पहुंचकर पुल का निरीक्षण किया। हरीश रावत ने रानी पोखरी के पुल के टूटने की घटना का जिम्मेदार खनन को बताते हुए कहा, इसमें भाजपा सरकार पूरी तरह से दोषी है, क्योंकि पुराने पुल की स्थिति को PWD के अधिकारी भी नहीं भांप पाए और इतना बड़ा हादसा हो गया। नवभारत समाचार डोईवाला से ज्योति यादव की रिपोर्ट। मुझे लगता है कि ये पुल कोई ऐसा नहीं है कि नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ गया और पुल के पिलर नेचुरल वे में उसको सहन नहीं कर सके और उखड़ गए एक तरफ से, ऐसा नहीं है। पानी आया मगर पानी से ज़्यादा नुकसान पहुंचा है मुझे लग रहा है जो इस एरिया में खनन हुआ है आसपास में, पुल के आसपास में, उससे पिलर के एक तरफ को ही पानी आ गया और जब ये पिलर में ज़रा सा भी बल जाता है तो ये तो बैलेंस पर आधारित होते हैं पुल, तो पूरा पुल गिर गया। ये एक गौला में हुआ था, लगता है PWD के लोगों ने गौला से सबक नहीं लिया और आज यहाँ ये रानी पोखरी का पुल टूट गया, तो ये राज्य के लिए चिंता का विषय है और मुख्यमंत्री जी को